राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से 20 साल तक विधायक रहे असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने आज अपना मत देने के लिए पहुंचे हैं। यही मतदान केंद्र है जो उनके गृह क्षेत्र में आता है, माछला मगरा क्षेत्र है, आवासन मंडल के का बूथ है और यहाँ पर मतदान देने के लिए अंदर पहुँचे हैं, अंदर गए हैं। आइए बात करते हैं, कटारिया जी क्या कहते हैं? निश्चित रूप से मतदान करने के लिए ही आया हूं, क्योंकि मैं राज्यपाल के संवैधानिक पद पे हो सकता हूं, पर मैं एक हिंदुस्तान का मतदाता भी हूं और राजस्थान के मतदाता का आज वोटिंग है, सबसे बड़ा त्यौहार है और मेरी प्रार्थना सभी लोगों से है मतदान 100% करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे ही देश का भविष्य और राजस्थान का भविष्य क्या बनेगा वो आपका मत तय करेगा। कहना चाहता हूं क्योंकि मैंने 40 साल तक उनसे खूब बहसें की है, वो सारा रिकॉर्ड पर दर्ज है। मैं सोचता हूं आज इस पद पे हूं, उसकी गरिमा रखते हुए इतना निवेदन जरूर करता हूं, मतदाता को अपने मत का उपयोग करना चाहिए। तो ये आपने सुना कि असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि मैं भले ही असम का राज्यपाल हूँ लेकिन अपना मत का प्रयोग करने के लिए उदयपुर आया हूँ और अभी मैं एक मतदाता हूँ। उन्होंने अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का प्रयोग करके इस लोकतंत्र का जो बड़ा त्यौहार है इसमें भागीदारी निभाए और सोच समझ कर अपना मत का प्रयोग करें और मतदान देकर अपने प्रत्याशी का या फिर का भी भाग्य संवारे। उन्होंने यह पॉलिटिकल बोलने से पहले पॉलिटिकल बोलने के राजनीति रूप से सवाल किए लेकिन उससे बोलने से उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि राज्यपाल की गरिमा है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलूँगा लेकिन यह जरूर कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का प्रयोग करके लोग अपने मत को देने के लिए पहुँचे और 100% मतदान करें। ABP News से विपिन सोलंकी, उदयपुर।